नमस्कार, मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ मजदूरी और प्रेम निबंध के बारे में। दोस्तों, यह निबंध लिखा था सरदार पूरण सिंह ने, जो अपने समय के एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, विदेश में पढ़ने के लिए गए थे, परंतु वहाँ स्वामी राम तीर्थ से उनकी मुलाकात हुई तो वे उनके शिष्य बन गए और सन्यासी बन गए। लेकिन बाद में उनके जीवन में कई मोड़ आए, उन्होंने खेती भी की, परंतु लेखन में उन्होंने कई कार्य किए। पंजाबी भाषा में और अंग्रेजी में अधिक लिखा, पर हिंदी में उन्होंने केवल 6 निबंध लिखे, जिसमें एक निबंध तो अधूरा ही है। इन अपने 6 निबंधों के आधार पर ही हिंदी साहित्य में उनका एक अनुपम स्थान है। उनके निबंधों पूरा जनजीवन धड़कता है, विशेष तौर पे जो हमारा मेहनत कस वर्ग है, उसके जीवन के माध्यम से उनके दृष्टांतों को लेकर के वे अपने विचार का निर्माण करते हैं। एक ताजगी जनजीवन की और उसमें से आते हुए अपने तर्क और विचार और उनकी एक खास शैली, यही पूर्ण सिंह के पाठकों को आकर्षित करती है। तो प्रस्तुत है दोस्तों मजदूरी और प्रेम। हल चलाने और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से ही साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं, खेत उनकी हवनशाला है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती हैं। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डलियां सी हैं। मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूं, तब मुझे बाग के मालिक का रुधिर याद आ जाता है। उसकी मेहनत के कण जमीन में गिरकर उगे हैं और हवा तथा प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के रूप में नजर आ रहे हैं। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति हुआ सा दिखाई पड़ता है। कहते हैं ब्रह्माहुति से जगत पैदा हुआ है। अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्म के समान है। खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखर रहा है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश की निरोगता इसी के हिस्से में है। विद्या यह नहीं पढ़ा, जप और तप यह नहीं करता, संध्या वंदना इसे नहीं आते, ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजे से इसे कोई सरोकार नहीं। केवल साग पात खाकर ही यह अपनी भूख निवारण कर लेता है। ठंडे चश्मों और बहती हुई नदियों के शीतल जल से यह अपनी प्यास बुझा लेता है। प्रातःकाल उठकर यह अपने हल बैलों को नमस्कार करता है और हल जोतने चल देता है। दोपहर की धूप इसे भाती है। इसके बच्चे मिट्टी में ही खेल खेल कर बड़े हो जाते हैं। इसको और इसके परिवार को बैल और गौवों से प्रेम है, उनकी यह सेवा करता है। पानी बरसाने वाले के दर्शनार्थ इसकी आंखें नीले आकाश की ओर उठती हैं। नयनों की भाषा में यह प्रार्थना करता है, सायं और प्रातः, दिन और रात। विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। यदि कोई इसके घर आ जाता है तो यह उसको मृदु वचन, मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है। धोखा यह किसी को नहीं देता। यदि इसको कोई धोखा दे भी दे तो उसका इसे ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है, गाय इसकी दूध देती है, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है, पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, उनके बच्चों को अपने बच्चों की तरह सेवा करना, दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है अन्यत्र मिलने का नहीं। गुरु नानक ने ठीक कहा है, भोले भाव मिले रघुराई। भोले भाले किसानों को ईश्वर
अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। उनकी फूस की छतों में से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं। ये प्रकृति के जवान साधु हैं। जब कभी मैं इन बेमुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूँ, मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है। जब मुझे किसी फकीर के दर्शन होते हैं, तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पांव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए गौवों का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला, भूखों और नंगों का पालने वाला, समाज के पुष्पोद्यान का माली और खेतों का वाली जा रहा है। एक बार मैंने एक बूढ़े गडरिये को देखा। घना जंगल है, हरे हरे वृक्षों के नीचे उसकी सफ़ेद ऊन वाली भेड़ें अपना मुंह नीचे किए हुए कोमल कोमल पत्तियां खा रही हैं। गडरिया बैठा आकाश की ओर देख रहा है, ऊन काटता जाता है। उसकी आंखों में प्रेम लाली छाई हुई है, वह निरोगता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है। बाल उसके सारे सफ़ेद हैं, और क्यों न सफ़ेद हों, सफ़ेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा। परंतु उसके कपोलों से लाली फूट रही है। बर्फानी देशों में वह मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा है। उसकी प्यारी स्त्री उसके पास रोटी पका रही है। उसकी दो जवान कन्याएं उसके साथ जंगल जंगल भेड़ चराती घूमती हैं। अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी और को नहीं देखा। मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है। ये लोग बेनाम और बेपता हैं। किसी के घर कर में न घर कर बैठना इस दारे फानी में, ठिकाना बेठिकाना और मकान बर ला मकान रखना। इस दिव्य परिवार को कुटी की जरूरत नहीं। जहाँ जाते हैं एक घास की झोपड़ी बना लेते हैं। दिन को सूर्य और रात को तारागण इनके सखा हैं। गडरिये की कन्या पर्वत के शिखर के ऊपर खड़ी सूर्य का अस्त होना देख रही है। उसकी सुनहली किरणें इनके लावण्यमय मुख पर पड़ रही हैं। यह सूर्य को देख रही है और वह इसको देख रहा है। हुए थे आँखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। बोलता कोई भी नहीं। सूर्य उसकी युवावस्था की पवित्रता पर मुग्ध है, और वह आश्चर्य के अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ी नाच रही है। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंधि से सुगंधित है। इनके मुख, शरीर और अंतःकरण सफेद, इनकी बर्फ, पर्वत और भेड़ें सफेद। अपनी सफेद भेड़ों में यह परिवार शुद्ध सफेद ईश्वर के दर्शन करता है। जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको, जो खुदा को देखना हो। भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। जरा एक भेड़ बीमार हुई, सब परिवार पर विपत्ति आई। दिन रात उसके पास बैठे काट देते हैं। उसे अधिक पीड़ा हुई तो इन सब की आंखें शून्य आकाश में किसी को देखने लग गई। पता नहीं ये किसे बुलाते हैं। हाथ जोड़ने तक की इन्हें फुर्सत नहीं। पर हाँ, इन सब की आंखें किसी के आगे शब्द रहित, संकल्प रहित मौन प्रार्थना में खुली हैं। दो रातें इसी तरह गुजर गई। इनकी भेड़ अब अच्छी है। इनके घर मंगल हो रहा है। सारा परिवार मिलकर गा रहा है। इतने में नीले आकाश पर बादल घिराए और झमझम बरसने लगे। मानो प्रकृति के देवता भी इनके आनंद से आनंदित हुए। बूढ़ा गडरिया आनंदमत होकर नाचने लगा। वह कहता कुछ नहीं, पर किसी दैवी दृश्य को उसने अवश्य देखा है। वह फूले अंग नहीं समाता, रग रग उसकी नाच रही है। पिता को ऐसा सुखी देख दोनों कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी राग अलापना आरंभ कर दिया। साथ ही धम धम थम थम नाच की उन्होंने धूम मचा दी। मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बांध दिया। मेरे पास मेरा भाई खड़ा था। मैंने उससे कहा, भाई अब मुझे भी भेड़ें ले दो, ऐसे ही मूक जीवन से मेरा भी कल्याण होगा। विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है, मेरी पुस्तकें खो जावें तो उत्तम है। ऐसा होने से कदाचित इस वनवासी परिवार की तरह मेरे दिल के नेत्र खुल जाएं और मैं ईश्वरीय झलक देख सकूं।
चंद्र और सूर्य की विस्तृत ज्योति में जो वेद गान हो रहा है उसे इस गडरिये की कन्याओं की तरह मैं सुन तो न सकूं, परंतु कदाचित प्रत्यक्ष देख सकूं। कहते हैं ऋषियों ने भी इनको देखा ही था, सुना न था। पंडितों की ऊट पटांग बातों से मेरा जी उकता गया है। प्रकृति की मंद मंद हंसी में ये अनपढ़ लोग ईश्वर के हंसते हुए होठ देख रहे हैं। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है। इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्म अनुभव भरा हुआ है। गडरिये के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता। आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, यह लो दिन भर की अपनी मजदूरी। वाह क्या दिल लगी है। हाथ पांव सिर आंखें इत्यादि सब के सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए। ये सब चीजें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। जो पैसे आपने उसको दिए वे भी आपके न थे, वे तो पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे, अतएव ईश्वर के निर्मित थे। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होता है, अन्न धन देने से नहीं। वे तो दोनों ही ईश्वर के हैं। अन्न धन वही बनाता है और जल भी वही देता है। एक जिल्द साज ने मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांध दी। मैं तो इस मजदूर को कुछ भी न दे सका, परंतु उसने मेरी उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे डाली। जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया मेरे हाथ जिल्द साज के हाथ पर जा पड़े। पुस्तक देखते ही मुझे जिल्द साज याद आ जाता है, वह मेरा आमरण मित्र हो गया है। पुस्तक हाथ में आते ही मेरे अंतकरण में रोज भरत मिलाप का सा समा बन जाता है। गाढ़े की एक कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है, साथ ही साथ वह अपने दुख पर रोती भी है। दिन को खाना न मिला, रात को भी कुछ मयस्सर न हुआ। अब वह एक एक टांके पर आशा करती है कि कमीज कल तैयार हो जाएगी, तब कुछ तो खाने को मिलेगा। जब वह थक जाती है तब ठहर जाती है। सुई हाथ में लिए हुए है, कमीज घुटने पर बिछी हुई है। उसकी आंखों की दशा उस आकाश की जैसी है जिसमें बादल बरस कर अभी अभी बिखर गए हैं। खुली आंखें ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही है। कुछ काल के उपरांत हे राम कहकर उसने फिर सीना शुरू कर दिया। इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है। इस कमीज में उस विधवा के सुख दुख प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपिणी गंगा की बाढ़ चली आ रही है। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम, प्रार्थना संध्या और नमाज से क्या कम है। शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती, ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मूक प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है। मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। राफेल आदि के चित्रित चित्रों में उनकी कला कुशलता को देख इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। केवल चित्र का ही दर्शन नहीं, किंतु साथ ही उसमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। हाथ की मेहनत से चीज में जो रस भराता है वह भला लोहे के द्वारा बनाई हुई चीज में कहाँ। जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, मैं स्वयं पानी देता हूँ, जिसके इर्द गिर्द की घास पात खोदकर मैं साफ करता हूँ, उस आलू में जो रस मुझे आता है वह टीन में बंद किए हुए अचार मुरब्बे में नहीं आता। मेरा विश्वास है कि जिस चीज में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। होटल में बने हुए भोजन यहाँ नीरस होते हैं क्योंकि वहाँ मनुष्य मशीन बना दिया जाता है, परंतु अपनी प्रियतमा के हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में
कितना रस होता है। जिस मिट्टी के घड़े को कंधों पर उठाकर मीलों दूर से उसमें मेरी प्रेम मगन प्रियतमा ठंडा जल भर लाती है, उस लाल घड़े का जल जब मैं पीता हूँ तब जल क्या पीता हूँ, अपनी प्रेयसी के प्रेम अमृत को पान करता हूँ। जो ऐसा प्रेम प्याला पीता हो उसके लिए शराब क्या वस्तु है। प्रेम से जीवन सदा गदगद रहता है। मैं अपनी प्रेयसी की ऐसी प्रेम भरी, रस भरी, दिल भरी सेवा का बदला क्या कभी दे सकता हूँ। उधर प्रभात ने अपनी सफ़ेद किरणों से अंधेरी रात पर सफ़ेदी से छिटकाई। इधर मेरी प्रेयसी मैना और कोयल की तरह अपने बिस्तर से उठी। उसने गाय का बछड़ा खोला, दूध की धारों से अपना कटोरा भर लिया, गाते गाते अन्न को अपने हाथों से पीसकर सफ़ेद आटा बना लिया। इस सफ़ेद आटे से भरी हुई छोटी सी टोकरी सिर पर, एक हाथ में दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा, दूसरे हाथ में मक्खन की हांडी। जब मेरी प्रिया घर की छत के नीचे इस तरह खड़ी होती है तब वह छत के ऊपर की श्वेत प्रभा से भी अधिक आनंददायक, बलदायक, बुद्धिदायक जान पड़ती है। उस समय वह उस प्रभा से अधिक रसीली, अधिक रंगीली, जीती जागती, चैतन्य और आनंदमयी प्रातःकालीन शोभा सी लगती है। मेरी प्रिया अपने हाथ से चुनी हुई लकड़ियों को अपने दिल से चुराई हुई एक चिंगारी से लाल अग्नि में बदल देती है। जब वह आटे को छलनी से छानती है तब मुझे उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की लो नजर आती है। जब वह उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा की नभो नालिमा से भी अधिक आनंददायिनी लालिमा देख पड़ती है। यह रोटी नहीं, कोई अमूल्य पदार्थ है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है। मेरा यही योग है। ये था दोस्तों मजदूरी और प्रेम का भाग एक। भाग दो सुनने के लिए जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।